साधु के बेस में इस प्रकार का अपराध ना करे जिससे देश में अशांति पैदा हो। और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है या राष्ट्र खतरे में है। और इतना ही आपको लगता है तो आप सब कुछ ही बता दीजिए फिर देश को। जिस फोड़े को आप मिटा नहीं सकते हो उस फोड़े को छेड़ने की कहां जरूरत पड़ गई आपको? अगर किसी चीज को आप मिटा सकते हो, अगर आप में हिम्मत है तो इन मुसलमानों को निकाल दो इस देश से। अगर निकाल नहीं सकते तो इनको प्रेम की बात कीजिए इनसे। प्रेम में सब कुछ संभव होता है महाराज जी, संत महात्माओं से मैंने सुना है और मैंने मेरे जीवन में ये अनुभव भी किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप प्रेम की बात करें, प्रेम में सब कुछ है, इस प्रकार की बयानबाजी करके और इस देश को अशांति की तरफ ना लेके जाएं। सभी देशवासियों को नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। एक छोटे से वीडियो के माध्यम से आप सभी देशवासियों के सामने उपस्थित होने का मुझे परम सौभाग्य प्राप्त हुआ। विषय है डासना मंदिर के श्री महंत यति नरसिंहानंद जी महाराज के संबंध में। प्रिय देशवासियों, पिछले लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं कि सनातन धर्म के एक संत महाराज श्री महंत यति नरसिंहानंद जी भड़काऊ भाषण देकर देश के अंदर अशांति फैला रहे हैं। महाराज जी को मैं बताना चाहूंगा कि संत शांति का प्रतीक होता है। महाराज श्री जो पिछले लंबे समय से आप इस प्रकार के भाषणबाजी कर रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, उससे इस देश का भला होने वाला नहीं है। हम चाहते हैं कि आप जैसे संत अच्छी दिशा में जाएं, अच्छा कार्य करें, देश को एक अच्छा मार्गदर्शन दें जिससे देश के युवा आगे बढ़ सके, अच्छी नौकरी लग सके, अच्छी तैयारियां कर सके, अच्छा शिक्षा और चिकित्सा का प्रसार हो सके। जिस प्रकार से आप लोग ये भाषणबाजी कर रहे हैं उससे देश का बंटवारा होना लाजमी है, संभव है, ऐसा कुछ नहीं है। और इन भाषणों से कुछ नहीं होता है। आप जैसे लोग नेता बन जाते हैं और हम जैसे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वो पीड़ित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसलिए महाराज जी आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इस प्रकार के भाषणबाजी करके इस देश को तोड़ने का कार्य ना करें। ये देश विविधताओं में एकताओं का देश है। आपसे विनम्र अपील है, साधु के बेस में इस प्रकार का अपराध ना करें जिससे देश में अशांति पैदा हो। और कहीं पे भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में है या राष्ट्र खतरे में है। और इतना ही आपको लगता है तो आप सब कुछ ही बता दीजिए फिर देश को। जिस फोड़े को आप मिटा नहीं सकते हो उस फोड़े को छेड़ने की कहां जरूरत पड़ गई आपको? अगर किसी चीज को आप मिटा सकते हो, अगर आप में हिम्मत है तो इन मुसलमानों को निकाल दो इस देश से। अगर निकाल नहीं सकते तो इनको प्रेम की बात कीजिए इनसे। प्रेम में सब कुछ संभव होता है महाराज जी, संत महात्माओं से मैंने सुना है और मैंने मेरे जीवन में ये अनुभव भी किया है। तो आपसे निवेदन है कि आप प्रेम की बात करें, प्रेम में सब कुछ है, इस प्रकार की बयानबाजी करके और इस देश को अशांति की तरफ ना लेके जाएं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।